Hai guys, Assalamualaikum. आज का जो मौजू है वो है शादी, जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब एक इस पे एक शेर है कि ऐ हिम्मत तो पसंद की शादी कर ले, वरना माँ बाप जहाँ के हैं वहाँ शादी। हम इसको हम बहुत इजी लेते हैं शादी को। शादी एक बहुत, हालांकि जिंदगी पूरी जिंदगी का 90% खुशी गमी उसका दारो मदार शादी को होता है। कहते हैं कि अल्लाह ताला उस पर बड़ा मेहरबान होता है जिसको एक अच्छी बीवी दे दे, मतलब ख्याल रखने वाली हो, उसका ख्याल रखे, उसका साथ दे। जो बहुत कम लोग, मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाब हो पाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है शादी, देखने में तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा काम होता है। मैं यही देख रहा था कि शादी होती है तो बड़ा बहुत आगे पीछे है, और फिर वही लोग मियाँ बीवी एक इस तरह लड़ाइयाँ होती हैं उनकी कि यकीन नहीं आता कि ये वही है। तो बड़ी शादी में बड़ा हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो शुरू में तो नहीं पता चलता, मतलब तो 2-3 महीने तो लगते हैं कि ये शादी। एक ऐसा है कि आप एक जुआ समझ लें इसको, एक जुआ होता है कि किसी का सही हो जाता है, किसी का नहीं होता। बड़ा मुश्किल, ये मौजू भी बहुत मुश्किल है इस पर बात करना, क्योंकि मैं अभी शादीशुदा हूँ। अब इसमें मैं क्या कहूँ कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कभी तारीफ नहीं की उसकी। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा, मतलब कई दफ़ा मैं बीमार पड़ा, बड़ा उसने मेरा ख्याल किया है, मेरा ख्याल रखा है। इसमें नसीब का दारो मदार ज़्यादा होता है, मतलब तो ये शादी जो होती है ये ऐसा होता है जैसे कि आपको नहीं पता होता आपकी शादी कहाँ होती है। गाड़ी जा कहीं रही होती है और पहुँच कहीं जाती है, उसको नहीं पता होता कि मेरी कहाँ हो, कोशिश में कहीं करता है होती कहीं। तो बहुत बड़ा एक मेन इंसान की जिंदगी का बहुत मेन, बहुत अहम काम है। उसको लोग कर जाते हैं बाद में सोचते हैं, तो बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं, वरना बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजरती है उन लोगों की। औरत लगातार अपने असली से बनाया है इसको, और इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको सीधा नहीं कर, इसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठा। आखिरी खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस पर जुल्म मत करो औरत पर, जब इसकी पकड़ भी है अगर आप औरत के साथ ज्यादती करते हैं उसका हिसाब किताब भी होगा। प्यार मोहब्बत से इसके साथ पेश आए, मर्द सबसे बड़ा जो एक होता है ना, होता है कि वो उसको तहफ़ुज़ दे रहा है, उसको एक छत दे रहा है। जो बगैर मर्द के जो रहते हैं औरतें होती हैं, इनसे आप पूछें उनका क्या हाल होता है, किस तरह दुनिया में सर्वाइव करते हैं, इतनी मुश्किल उनको पेश आती है ज़िंदगी गुजारने में, कि मतलब मर्दों का माशरा है, सीधी सी बात यह है कि मर्दों का माशरा औरत का नहीं। आप लाख कुछ कर लें, माशरा जो है मर्दों के लिए, गंद इतना फैल गया है हमारे माशरे में, इतनी गलाजत फैल गई है कि हद है। मतलब हर कोई बुराई के पीछे जा रहा है और हर किसी को बुरा समझता है। हालांकि एक लड़की अगर बाहर निकल रही है तो मजबूरी है उसकी, उसके बच्चे हैं, उसका घर है, हमें नहीं पता कि क्या मजबूरी है उसकी जो बाहर निकलती है, वरना हर लड़की हर औरत बाहर ना निकले, घर उसके लिए बड़ा सेफ होता है। बहुत मजबूरी में औरत बाहर निकलती है,
सोचते ही नहीं है अच्छे से, हर किसी को बुरी नज़र से देखने से बात नहीं होती। आपकी भी माँ बहने बेटे बच्चे यहाँ के बाहर निकल गए, शादी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, तो बच्चों का खेल नहीं है। दो खानदानों का मिलाप होता है, दो खानदानों का मिलाप होता है, उसको हम समझते हैं कुछ भी नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट काम और बड़ा सोच समझ के करना चाहिए इसको। जिंदगी किसी को नहीं पता कितनी है, साथ ही गुजारनी है आपने। तो बर्तन भी अगर हम साथ रखते हैं वो भी बोलते हैं, फिर ये अलग दिमाग के वो लोग जब मिल के साथी होती है जिनके, उनका अलग दिमाग होता है, मर्द का अलग होता है, औरत का अलग होता है, वो एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो पता चलता है उनको कि यार हम क्या समझ रहे थे और ये क्या। तो वही बात आ गई, एक जो है बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक लड्डू है उसको जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वही पछताता है, तो बेहतर ये कि खा के बचते आगे पता तो चले इसका जायका कैसे इस लड्डू। मेरी नज़र में ये है कि आदमी अपने बुढ़ापे की नहीं शादी करता है, जब सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है, बुढ़ापा आता है तो उसका एक साथ देने वाली एक बीवी होती है जो उसका साथ देती है और निभाती है। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, आपका जो साथ देती है और आप जिसका साथ देते हैं वो मियाँ बीवी होती है। जवानी तो गुजर जाती है, आप कहीं भी घूमने में फिरने में खाने में पीने में पता नहीं चलता, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो एहसास होता है उसको कि हमें शादी कर लेनी चाहिए थी, शादी कर लेनी चाहिए बेहतर, लेकिन ज़रा सोच समझ के देखभाल के पूरी ज़िंदगी का मामला है ये, अभी बुढ़िया बुढ़ी का खेल नहीं है, पूरी ज़िंदगी का मामला होता है। उसको बहुत सोच समझ के इस पर मतलब थोड़ा सा आदमी और करे, अगर हो सके तो एक मुलाकात कर ले बेहतर है, समझ सकेंगे एक दूसरे को समझ लें, और अगर कोई पसंद करता है तो उसकी करवा देनी चाहिए शादी, क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजरनी है तो चले जाने, माँ बाप राज़ी हो जाने चाहिए। अगर उसका बच्चा है बच्ची नहीं चाहती है उसकी शादी, ये मर्ज़ी की करना, ज़िंदगी उसने गुजारनी है भाई, आपने थोड़ी गुजारनी है यार, गुजारेंगे वो ज़िंदगी जैसे होगी, तो खुद किया ना, ये तो नहीं कहेंगे कि अब्बा मर गए करा के या अम्मा मर गई करा के हमारी शादी, उनको अपने फैसले करने दें। ये नई जनरेशन है, ये हमारी वाली नहीं है, ये हमसे बेहतर समझते हैं, ये हमसे बेहतर जानते हैं, ये हमसे कहीं ज़्यादा काबिल बच्चे हैं इस दौर में, जो इतने नहीं ये हमसे ज़्यादा है। उन्होंने वो दौर देखा जो हमने नहीं देखा, ये वो दौर देखेंगे जो हम नहीं देख पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, हाफिज़।